आज हम जानेंगे एलिमेंट के बारे में। ऐसे मैं एलिमेंट के बारे में इतना लेट बता रहा हूँ, बस बहुत वीडियोस में मैंने एलिमेंट के बारे में बताया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, जैसे कंपाउंड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। मॉलिक्यूल नहीं पढ़ाया, कंपाउंड नहीं पढ़ाया, बस गैसेस बहुत कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। और एलिमेंट के प्योर सब्सटेंस में चार, प्योर सब्सटेंस दो चीज़ का होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ आती है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, इन प्योर में मिक्सचर, ठीक है। तो पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर कंपाउंड के बारे में भी बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, और कुछ वीडियोस में बता भी रखा है, ठीक है। तो एलिमेंट वो चीज़ होती है जो एक ही एटम से बनी हो, ठीक है। एक ही एटम है, मतलब एक ही टाइप के एटम से मिली हो। उसमें अगर एक एटम है तो एक एटम अच्छी बात है, बाइंड होके। अगर एक एटम की तो एग्जिस्टेंस नहीं होती ज़्यादा का, बाइंड होता है। जैसे हाइड्रोजन, वो एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है H2, क्योंकि वो दो हाइड्रोजन से मिलके बनती है, ठीक है। क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए, तो दो एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैंने एक जगह पूछा था, क्वेश्चन अभी तक रिप्लाई नहीं आया, बट इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 118, 118 एलिमेंट होते हैं। उनके चार पार्ट में डिवाइडेशन हो रखी है, मेटल, मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल एंड नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस वो चीज़ें होती है जो रिएक्ट नहीं करती ज़्यादा, अगर बस कुछ कुछ कंपाउंड्स के साथ मिक्स हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन उसके खींच लेते हैं, जैसे ZeF2। बस ये थोड़ी हायर हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लीव करते हैं। बस ये चार चीज़ें याद रखो कि कुछ मेटल्स होते हैं, मेटल के बारे में बताया, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं, वो अभी बताया नहीं, बताएंगे। कुछ होता है मेटलॉइड, जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं इट सम अदर कंडीशन। और एक नोबल गैसेस जो रिएक्ट नहीं करते, जैसे एग्जांपल हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़िनॉन हो गया, ठीक है। तो अब जो ये एग्जांपल्स दे, मतलब डाटा दे रखा है, उसे रीड करते हैं। एनी प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मैथड इज नोन एज एलिमेंट, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ, ऐसे आप एक एलिमेंट को दो चीज़ में तोड़ सकते हो, ठीक है। उसे कैटायन बना सकते हो या एनायन बना सकते हो, ठीक है। अगर उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया या इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, ठीक है। बस ये नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन को तोड़ के आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाओ, ये नहीं कर सकते आप। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। तो फिर एक बार और क्या लिखा है, वही लिखा है कि टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि वो खुद ही एक सिंपलर सब्सटेंस है बाय केमिकल मेथड। और ये क्या लिखा है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एन एटम। वो एक ही काइंड के एटम से बना होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बस एक ही काइंड का बना होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं एलिमेंट के। और उसके बाद ये भी लिखा है कि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। सही, ये बात भी सही है कि हाइड्रोजन का जो एटम है ऑक्सीजन के एटम से डिफर करेगा, ठीक है। वो दोनों सेम नहीं होगा, उसका एटम अलग होगा, उसका एटम अलग होगा। हाइड्रोजन का एटम का साइज छोटा होगा, और जो ऑक्सीजन का एटम है उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लास ख़त्म होती है। तो कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, सारे डाउट क्लियर कराएंगे हम। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जिसे क्लियर नहीं कराएंगे हम। सो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके बाद आएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। और फिर मॉलिक्यूल्स भी आएगा, जिससे और क्लियरेशन आ जाए। ऐसे मॉलिक्यूल पहले कराना चाहिए था, लाइन वाइज कराना चाहिए था। एटम कराओ, मॉलिक्यूल कराओ, फिर एलिमेंट कराओ, फिर कंपाउंड कराओ। बस मैंने ऐसे इसलिए नहीं कराया कि थोड़ा पहले कन्फ्यूज़न दो, फिर क्लियर करूँ। कन्फ्यूजन देना पड़ता है, जब तक कन्फ्यूजन नहीं दोगे तो समझने की कोशिश नहीं करोगे, और जब समझोगे तो अच्छी बात होगी। चलो चलते हैं।